एक तरफ बॉनी कपूर की फिल्म मैदान को 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, वहीं बाहुबली डायरेक्टर की आरआरआर 2 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर की तारीख को रिलीज होती दिख जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का अहम रोल है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर एक्टर खुद से ही टक्कर लेते दिख जाएंगे। एक्टर अजय देवगन के लिए साल 2021 काफी बिजी साबित होने वाला है। उनकी कई फिल्में रिलीज होने को तैयार दिख रही हैं। इस लिस्ट में मैदान, आरआरआर जैसी बिग बजट फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन अब इन दो फिल्मों की वजह से अजय देवगन मुसीबत में फंस गए हैं। पहली बार बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन वर्सेस अजय देवगन देखने को मिलने वाला है। दरअसल दोनों ही फिल्में इसी साल अक्टूबर महीने में रिलीज होने जा रही हैं। एक तरफ बॉनी कपूर की मैदान को 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, वहीं बाहुबली डायरेक्टर की आरआरआर 2 दिन पहले यानी 13 तारीख को रिलीज होती दिख जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का अहम रोल है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर एक्टर खुद से ही टक्कर लेते दिख जाएंगे। लेकिन इस तकरार की वजह से निर्माता बॉनी कपूर खासा नाराज़ हैं। उन्हें आरआरआर के मेकर्स से शिकायत है। उनकी नज़रों में जिस डायरेक्टर ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्में दी हों, उसे त्यौहार या फिर वीकेंड वीक की क्या ज़रूरत है। एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बॉनी ने इसे एक गलत फैसला बता दिया है। वे कहते हैं अजय देवगन को खुद आरआरआर की रिलीज डेट सिर्फ 1 दिन पहले ही पता चली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आरआरआर के मेकर से बात करूं, क्योंकि हमने मैदान की रिलीज डेट पहले ही फाइनल कर ली थी। अजय चाहते थे कि बातचीत के जरिए हल निकल जाए, लेकिन वे तैयार नज़र नहीं आए। इसी वजह से अजय ने आरआरआर की रिलीज डेट रीट्वीट नहीं की। सत्यमेव लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.lifelive.com।